आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न उस प्रत्येक नए स्टूडेंट के सामने आता है जो सिविल सर्विसेज की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन्स की तैयारी करता है, क्योंकि उसके टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा उस नए स्टूडेंट को बार बार ये कहा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेखन का अभ्यास करना है, मीन्स आंसर राइटिंग करनी है। अब बच्चे के सामने डाउट ये रहता है कि क्या वो अपनी तैयारी की इनिशियल स्टेज के अंदर लिखना प्रारंभ कर सकता है, तो ये डाउट, ये शंका उसके सामने बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चे के इस डाउट को दूर किया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नए स्टूडेंट को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको जितने भी माध्यम उसके पास उपलब्ध हैं उन माध्यमों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस नए स्टूडेंट के लिए जो दूसरी स्टेज होगी वो होगी कंसेप्ट बिल्डिंग, मीन्स अवधारणा। उस बच्चे का दूसरा ध्यान ये होना चाहिए कि जो उसने सीखा है उसके द्वारा वो अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट और मजबूत करने का प्रयास करे, मीन्स अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब उसके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रोंग होंगे, क्लियर होंगे, तो वो लिखने की स्थिति के अंदर होगा, मीन्स वो डिलीवर करने की स्थिति में होगा। तो पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नया स्टूडेंट है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरा उसको ध्यान देना चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, और जब उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, स्ट्रोंग होंगे, तब वो लिखने की स्थिति में या डिलीवर करने की स्थिति में होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, वो सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों के द्वारा इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको एक बात पूर्णतः स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो आपके ज्ञान की जांच करने वाली परीक्षा नहीं है, वो आपके ज्ञान के अनुप्रयोग को चेक करने वाली परीक्षा है, मीन्स आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन का परीक्षण करने वाली प्रतियोगी परीक्षा है। इसके अंदर जो आपने सीखा है आप उसको विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो, इस बात का परीक्षण करने का प्रयास जो है वो UPSC के द्वारा किया जाता है। तो जो भी नया स्टूडेंट है उसको अपनी लर्निंग के साथ साथ अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर जो है पूर्ण पूरा ध्यान देना चाहिए। जब उसके कंसेप्ट स्ट्रोंग होंगे तो वो डिलीवर कर सकता है और वो अपना लिखना स्टार्ट कर सकता है, अपना लिखना शुरू कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स थे वो इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने दूर करने का प्रयास किया है। दोबारा किसी रोचक विषय के ऊपर जो है चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।